रात का समय होता है, चारों तरफ जोर जोर से हवाएं चल रही होती हैं। तभी गांव में से दो पक्षी रात के समय जंगल की तरफ जा रहे थे। अरे भाई बंटी, मैंने सुना है भूत या टूनी चिड़िया की आत्मा के विशाल जामुन घर के अंदर बहुत सारे सोने और हीरे हैं। अगर हमें वो सब मिल जाए तो हम माला माल हो जाएंगे। अरे क्या बात बोलते हो कालू भाई, खुली आंखों से सपने देख रहे हो। मैं तो कहता हूँ चुपचाप अपना काम करो और यहाँ से चलते हैं। दोनों चलते चलते जंगलों के बीच बीच पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें जामुन का एक बहुत बड़ा विशाल घर दिखाई देता है। अरे वाह, देख तो सही, मैं अभी भूत या टूनी चिड़िया की आत्मा के घर के बारे में बात ही कर रहा था और सामने उसका घर प्रकट हो गया। चल, यही सबसे अच्छा मौका है, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। ना बाबा ना, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है, मैं तो तेरे साथ नहीं अंदर जाऊंगा। तुझे जाना है तो जा, मुझे तेरी तरह लालची नहीं बनना। तभी विशाल जामुन के घर के अंदर से आवाज आती है, अंदर आओ, आ जाओ, यही मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, आ जाओ, अंदर आओ, जल्दी आओ। उसकी आवाज सुनकर कालू कौवा अंदर चला जाता है, लेकिन बंटी बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। अरे दादा, ये तो फंस गया, अब ये अंदर से वापस नहीं आएगा। मुझे गांव वापस लौट जाना चाहिए और इसके बारे में गांव के सभी पक्षियों को बताना चाहिए। ये कहकर वो गांव जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। फिर बंटी अपनी पत्नी टुनटुनी को बताता है, अरे जब गांव का कोई भी पक्षी भूत या टूनी चिड़िया की आत्मा के विशाल जामुन घर के अंदर नहीं जाना चाहता तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो। उसने अपनी लालच के चलते अपनी जान गवा दी, अब तुम ये सब छोड़ो और भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम उससे बच गए। ऐसे ही रात हो जाती है। रात के समय गांव का हरी तोता सोचता है, बंटी ने जो आज बताया था क्या पता वह सच हो, क्या पता भूत या टूनी चिड़िया की आत्मा के विशाल जामुन घर के अंदर खूब सारा सोना पैसे और हीरे हो। अगर वह सब मुझे मिल गए तो मैं बहुत माला माल हो जाऊंगा। फिर हरी तोता लालच के चलते जंगल की तरफ जाने लगता है। देखते ही देखते जंगल के बीचों बीच पहुँचते ही उसे विशाल जामुन घर दिखाई पड़ता है। फिर वो जैसे ही जामुन घर के अंदर जाता है, उसे जामुन घर के अंदर सभी चीजें बहुत नॉर्मल सी नजर आती हैं। जामुन के घर के अंदर रहने की सभी सुख सुविधाएं होती हैं। अरे वाह, कितना खूबसूरत घर है, बाहर से जामुन की तरह और अंदर से बिल्कुल महल की तरह। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यही रहने लग जाऊं। और इतना सारा सोना पैसे हीरे, अरे मैंने तो इतना सारा सोना पैसे हीरे कभी जिंदगी में नहीं देखे थे, लगता है मेरी तो लॉटरी लग गई। तभी वहाँ रखी सारी चीजें अचानक से गायब हो जाती है और भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है। मजा आ गया, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया। अब तो तू गया काम से, देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, तेरे लालच की सजा तुझे जरूर दूंगी। ये सुनकर हरी तोता वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने विशाल जामुन के घर का दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद हरी तोता अंदर कैद हो जाता है। हे भगवान, यह क्या हो गया, मेरी लालच की वजह से आज मेरी जान पर बनाई। ना मैं लालच करता ना ऐसा होता, अब मैं क्या करूं, इस बला से बचकर कैसे जाऊं। अब तो तुम मेरे यहाँ कैद हो गई हो, अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता, अब तो तुम मेरे गुलाम हो। तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसकी तरफ बढ़ी रही होती है। तभी एक बाबा गांव के सभी पक्षियों के साथ मिलकर जामुन के घर के अंदर आ जाता है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो कमाल ही हो गया, गांव के सभी पक्षी मेरा शिकार बनने के लिए खुद ब खुद मेरे घर में आ गए। आओ आओ गांव वालों, अंदर आओ। ये सुनकर बंटी कबूतर उससे कहता है, अच्छा हुआ जो मैंने हरी तोता को जंगल में जाते हुए देख लिया, मैंने तुरंत बाबा को बताया ताकि हम हरी की जान बचा सके। देख भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, मैं तुझे आखिरी धमकी दे रहा हूँ, यहाँ से चली जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुझे क्या लगता है मैं तेरी धमकियों में आ जाऊंगी, अरे तुझे धूल चटा दूंगी, नहीं तो मैं भी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा नहीं।
जैसे भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपनी शक्तियों से बाबा को अपने वश में करने वाली होती है, तभी बाबा अपने मंत्रों द्वारा उसके ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं। पवित्र गंगा जल छिड़कने के बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का शरीर जलकर राख हो जाता है और देखते ही देखते उसका विशाल जामुन का घर भी गायब हो जाता है। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते है। बहुत समय पहले एक गांव में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। वो बहुत अच्छी भूतिया चिड़िया की आत्मा थी। वो अपने जादू का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करती थी, बल्कि पूरी आत्माओं के जादू से गांव के पक्षियों को बचाया करती थी। भूतिया चिड़िया की आत्मा, एक पूरे भूतिया कालू कौवे की आत्मा ने मेरे दोनों कानों को गायब कर दिया है। अब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कृपया करके आप कुछ कीजिए। चिड़ी घुमाओ, जादू चलाओ, जरूरतमंद के कान लौटाओ। भूतिया टोली चिड़िया की आत्मा अब मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो बूढ़ी हो रही थी और वो जानती थी कि जब वो नहीं रहेगी तो भूतिया कालू कौवे की आत्मा गांव वालों को बहुत परेशान करेगा, इसलिए वो अपनी बेटी को जादू सिखाया करती थी। सुनो बेटी, अब तुम मंत्र पढ़कर इस बकरी को गायब करो। छोटी भूतिया चिड़िया की आत्मा का जादू चले, बकरी हवा में उड़े रे उड़े। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 345-67 कितने होते हैं। लेकिन भूतिया टुनटुनी चिड़िया का आत्मा का जादू हमेशा उल्टा पड़ता था, वो कभी भी सही जादू नहीं कर पाती थी, फिर भी वो उसको सिखाना बंद नहीं करती थी। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। अब भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा बीमार होने लगी थी। उसकी बीमारी के बाद उसके दुश्मन भूतिया कालू कौवे की आत्मा तक फैल गई और उससे बदला लेने की योजना बनाने लगा। अगली रात ही उसने गांव पर हमला कर दिया। सभी गांव वाले भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के घर की तरफ भागने लगे, लेकिन भूतिया कालू कौवे की आत्मा ने उन्हें अपने जादू से हवा में उल्टा लटका दिया। अब बुलाओ उस भूतिया चिड़िया की आत्मा को, जिसे तुम सब बहुत प्यार करते हो। लेकिन वो बहुत बीमार थी, अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो भूतिया कालू कौवे की आत्मा का सामना कर सके। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं उससे गांव वालों को बचा सकूं। बेटी, इसी दिन के लिए मैं तुम्हें तैयार कर रही थी, लेकिन माँ, मेरा जादू हमेशा उल्टा पड़ जाता है, तो मैं कैसे कर पाऊंगी। बेटा, तू घबरा मत, अकल ना शकल, मुझे कुछ चाहिए ऐसा जो कर सके मेरी नकल। बेटी, अब से इस कद्दू के रूप में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी सारी बातें समझूंगी। अब तुम्हारा जादू कभी गलत नहीं होगा। छड़ी घुमाओ, जादू चलाओ, जो जरूरी है वो कर जाऊं। ऐसा कहते ही वो एक कद्दू में समा गई। फिर भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा कद्दू को लेकर घर से बाहर आई। ए भूतिया कालू कौवे की आत्मा, तू इन पक्षियों को छोड़ दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। ऐसा कहते ही सभी गांव के पक्षी नीचे आ गए और उसके जादू से भूतिया कालू कौवे की आत्मा जलकर राख हो गई। अब सब पक्षी भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा का शुक्रिया अदा करके वहां से चले गए। अब टुनटुनी चिड़िया की आत्मा अपनी मां बनी कद्दू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। बिलासपुर गांव में एक बहुत पुराना घर था। गांव के पक्षी उसके पास जाने से बहुत डरते थे, क्योंकि उस घर में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा रहती थी। लेकिन उस गांव में कालू हरी और टुनटुनी नाम के तीन बच्चे रहते थे, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। एक रात तीनों भूतिया घर के पास खेल रहे थे, तभी खेलते खेलते उनकी बॉल घर के अंदर चली गयी। अरे दोस्तों, ये बॉल तो भूतिया घर के अंदर चली गई, अब तो हमें एक नई बॉल खरीदनी पड़ेगी। रुको दोस्तों, बॉल खरीदने की क्या जरूरत है, हम घर के अंदर जाकर बॉल ले आते हैं। डरो नहीं, मैं हूँ ना। टुनटुनी के कहने पर वो सभी बच्चे भूतिया घर के अंदर चले जाते हैं। तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है और एक आवाज आती है। तब तक आप लोग कॉमेंट पे बताए 34+56 कितने होते हैं।
तुम्हारा स्वागत है। कौन है यहाँ, किसकी आवाज है? नाम है मेरा टूनी, चाहती हूँ मैं सबका बुरा। ये सुनकर वो बच्चे कहते हैं, भूतिया चिड़िया की आत्मा, हम तो बस यहाँ अपनी बॉल लेने आए हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए। नहीं दूंगी मैं तुम्हें यहाँ से जाने, क्योंकि सवालों के जवाब ही मुझे पाने। हम आपके सभी सवालों का जवाब दे देंगे, पहले आप सामने तो आइए। दिखने में हूँ मैं बहुत डरावनी, नहीं कर पाओगे तुम छोटे बच्चे मेरा सामना। अगर दिखाई मुझे कोई होशियारी तो पड़ेगी तुम सबके बहुत भारी। ये कहकर वो उनके सामने आ जाती है। तीन सवालों का जवाब ही मुझे पाना, उसके बाद चाहे तुम सब यहाँ से चले जाना। हाँ हाँ पूछो अपने तीन सवाल, हम सब जवाब देने के लिए तैयार हैं। लगता है बहुत ही तुम बच्चों को अपनी बुद्धि पे घमंड, नहीं दे पाए सही जवाब तो मिलेगा तुम सबको दंड। तो मेरा पहला सवाल, दो अक्षर का मेरा नाम, मेरे बिना ना चलता काम। अरे इसका जवाब तो मैं जानता हूँ, सही जवाब है पंखा। मेरा दूसरा सवाल, एक सत्ता रहने की इच्छा लेकर मैं जिंदा रहती हूँ, नदी झीलों ताल तलैया झरनों में मैं बैठी रहती हूँ। इतना आसान सवाल भला कौन पूछता है, इसका जवाब है हंस। मेरा तीसरा सवाल, क्या है वो निकले उसको तो जिंदा रह पाए, लेकिन वो हमें निगल ले तो हम मर जाए। अरे भूतिया चिड़िया की आत्मा, इतने आसान सवाल पूछते हो, इसका जवाब है नदी। बदल दे मौसम करते ही ठंड, हो जाओ तैयार तुम पानी को डंड, जिसने भी गलत जवाब दिया उसे पत्थर की मूरत बना। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के मंत्र पढ़ते ही कालू हरी दोनों पत्थर की मूरत बन जाते हैं। टुनटुनी ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अरे ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब मैं दूंगी, पर इसके बाद तुम्हें मेरे दोस्तों को वापस पहले जैसा करना होगा। ठीक है पर ध्यान रहे, सवाल ही यानी पर जवाब ही, अगर नहीं दे पाई सही जवाब तो सजा मिलेगी लाजवाब। टुनटुनी सोच में पड़ जाती है, काफी देर तक सोचने के बाद वो सारी पहेलियां समझ जाती है। अरे तुम्हारी पहेलियां थोड़ी मुश्किल जरूर थी, पर मुझे सभी पहेलियों का जवाब पता है, तुम्हारी तीनों पहेलियों का एक ही जवाब है और वो है पानी। उसके जवाब से उसके दोनों दोस्त फिर से पक्षी बन जाते हैं। धन्यवाद टुनटुनी, मैं पिछले कई सालों से एक साधु की शराब के कारण भूतिया घर में कैद थी, मेरे मुक्त होने का एक ही रास्ता था, वो था तीन सवालों का जवाब जो आज तक कोई नहीं दे पाया, पर तुमने ये कर दिखाया। अब इस घर में कोई खतरा नहीं है, अब मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से मुक्त हो जाती है। फिर सभी बच्चे अपनी बॉल लेकर वापस चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।